Shri Bhishma Vacha Iti Mati Rupa Kalpita Vitrishna Bhagavati Sattvata Pungave Vibhumni Prasukhamupagate Vachid Viharatum Prakruti Mupeyushi Yadbhava Pravaha विष्णु भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये मृत्यु के समय में मेरी शुद्ध कामना रहित बुद्धि को मैं भगवान कृष्ण के चरण में अर्पण करता हूँ। जो कृष्ण हमेशा आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं, फिर भी प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि परंपरा चलाने के लिए प्रकट हुए हैं। मनम तमालवरणम रविकर गौरवरांबरम दधाने कपूरक तुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या का शरीर त्रिभुवन में सुंदर है और जो श्याम तमाल जैसा शरीर है, जिनके शरीर का रंग तमाल वृक्ष के समान है, जिनके पर सूर्य के किरणों जैसे पीतांबर फरक रहा है और जो कमल जैसे मुख के ऊपर धुंधराली लट खुल गई है, ऐसे अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति है। भक्ति की कामना कर रहे हैं। युधि दुर्गर जो विधूम रविश्वक कचलु ललित श्रम वार्यलं प्रीतास्ये मम निशित शरे विभीप्रमान त्वचि विलसत कवचे स्तुकी आत्मा दुर्गर जो पिताम भीष्म बाण संया पर सोए हैं और सोए हुए उस दृश्य की याद कर रहे हैं, जिस समय पिताम भीष्म धमाधार युद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने देखा कि पिताम भीष्म अर्जुन को मार डालेंगे। उस समय कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा न देखकर उस रथ से उतरकर हाथ में चक्र धारण किया और चक्र लेकर जब पितामह भीष्म को मारने के लिए जा रहे थे, तब अर्जुन उसका चरण पकड़ लिए थे। पितामह भीष्म कहते हैं, आज मुझे वह दृश्य याद आ रहा है। पदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसे निकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रति अमास्तु जो अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तुरंत अपने रथ को पांडवों की सेना से कौरवों की सेना में ले गए, जो अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल है, जो अपने भक्त के लिए ड्राइवर बनने के लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति हो। वहित पुत नाम मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविधयाय च
चरण रति परमास्यत समेस्तु। अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो रहा था, तब उसी अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देने वाले, जिस भगवत गीता को समझने में बड़े बड़े लोग भी विचलित हो जाते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकार तुम पाप्लव रथस्य धृतरथ चरणोभया चलतु हरिरिवहन् तुमिवं गतो तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो रथ में से नीचे कूद पड़े, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए कभी भी अपनी ओर देखते नहीं है, और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर नीचे उतरकर जैसे सिंह सियार के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे यह कृष्ण मेरे ऊपर टूट पड़े थे, ऐसे कृष्ण यह दृश्य सदा मेरे जीवन में उपस्थित रहे। तो विशीर्ण दंश शत जपरी प्लुत आतता किनो में प्रसभम विससार मद्वदार्थम सभवतु मे भगवान गति मुकुंद। उस समय अर्जुन के रोकने पर भी मुझे मारने के लिए वह दौड़ने के लिए मेरे पास आ रहे थे, मैं आता ही तीक्ष्ण तीर मारकर उसके शरीर का कवच तोड़ रहा था। वे कृष्ण मेरे बाण को स्वयं अपने शरीर पर ले रहे थे, परंतु अर्जुन को खरोच भी नहीं आने दे रहे थे, ऐसे कृष्ण सदैव मेरी रक्षा करते। रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मिनितच्छिये सक्षीणे भगवती रतिस्तु मे मुमूर्षो यर्मिह निरक्ष्य हता गता स्वरूपम्। कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति बढ़े, इसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। पितामह भीष्म को बारंबार वह दृश्य याद आ रहा है, किस प्रकार अर्जुन कृष्ण को ऑर्डर कर रहे हैं, और कृष्ण अर्जुन की बात को स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ललित गति विलास वल्लभुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो कृतमनुकृतवन्मदन्द प्रकृतिमगत किल यस्य गोप। जिनकी मधुर चाल है, जिनका मधुर स्वभाव है, जिनका मधुर स्मित है, जिनकी मधुर दृष्टि है, ऐसे मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। मुनि गणनुपवर्य संकुलेंत सदसि युधिष्ठिर राजसु ययेषां अर्हणमुम पेद मम दृष्टि गोचर एष आत्मा। युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया,
राजसी युग में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन फिर भी अग्र पूजा एकमात्र कृष्ण की हुई। उस अग्र पूजा जिसकी हुई, ऐसे कृष्ण का दर्शन में निरंतर करता रहूं। मैं महामजम शरीम भाजम रिधि रिधि दिष्ट तमात्मकल पिताना प्रतिदृश शिव ने कदार्थ मेकम समधिगतोऽस्मि विदूत भे मोह। जैसे एक ही सूर्य सभी आंखों से अनेक रूप में दिखते हैं, उसी तरह एक कृष्ण सभी लोगों के हृदय में प्रस्तुत होते हैं। यद्यपि कृष्ण एक हैं, परंतु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते करते पितामह भीष्म ने देखा कि उत्तरायण का पवित्र समय हो चुका है। इस पवित्र समय को देखकर पितामह भीष्म ने सोच लिया कि भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, उत्तरायण का समय है, और उसी समय पितामह भीष्म ने अपने प्राण को वहां पर त्याग दिया। और जैसे ही पितामह भीष्म ने अपने प्राण को त्यागा है, वास्तव में पितामह भीष्म की मृत्यु नहीं, पितामह भीष्म की मृत्यु के ऊपर विजय।